हेलो दोस्तों, आज के फिर से न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज का ट्रिक एकदम धासु ट्रिक है, जो आपकी राइटिंग जितनी भी खराब है एकदम बेकार है, तो आज के इस धासु ट्रिक की वजह से आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एग्जाम में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये छोटी सी वीडियो है और पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको ये धासु ट्रिक एकदम और आपको बहुत राइटिंग में सुधार हो जाएगी। तो चलिए, तो जैसे आप स्पीड में एग्जाम में लिखते हैं वैसे ही हम आपको लिख के दिखाएंगे। तो ये और ना ये और ना ये, तो आप लोग जैसे कि ये लिखते हैं या ये लिखते हैं ऐसी ही राइटिंग बना के आप एग्जाम में लिखते हैं तो एकदम बिल्कुल सही लिखते हैं, क्योंकि एकदम गलत नहीं लिखते, बस थोड़ा सा इसे पॉलिश करने की जरूरत होती है। आप लोग शादी ब्याह में जाएंगे तो जैसे आपकी ऐसी ही हुलिया रहेगी जैसे आपने लिखा है, एकदम जैसे आपके हिसाब से बहुत अच्छा है और एग्जामिनर के हिसाब से खराब है, क्योंकि ना धा का पता है, ना का पता है, ना आ का पता है। तो ऐसे ही आप जैसे शादी ब्याह में जाएंगे तो लोग तो कहेंगे कैसे है, कैसे आया है, जैसे पागल कोई कहेगा, या क्योंकि आप नहा धो के और नए नए कपड़े पहन के और क्रीम पाउडर कंघी चटी करके तब जाएंगे तो लोग भी तारीफ करते हैं। तो वैसे राइटिंग का भी है, जब राइटिंग आपकी खराब जाएगी तो एग्जामिनर क्या करेगा, अंडा देगा या फिर कम मार्क्स देगा। यही चीज लिखना है मगर थोड़ा सा पॉलिश लगा के लिखना है, जैसे कि डिजाइन मार के। तो इसको थोड़ा ऐसे करिए, थोड़ा स्टाइली हो गया, थोड़ा छोटा भी अधी का से। कहते नहीं थोड़ा सा सवर लो कितना अच्छा बन जाता है इंसान, तो वैसे राइटिंग भी है, थोड़ा सा स्टाइल मार दो तो आपकी राइटिंग भी चार चांद लग जाएगी। तो ऐसे एग्जाम में लिखना और अपनी राइटिंग का सजा के लिखना। आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए बाय बाय, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।